आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मर्दके की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको एस्तर की पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब राजा शयर्ष 27 प्रांतों अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। शयर्ष राजा के समय में शोषण गण में, जो कि राजगण था, वहां मर्दके नाम का एक यहूदी रहता था, जो शिमी का पोता और याहिर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर ने बंदी बनाकर ले आए थे। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि एस्तर के माता पिता नहीं थे, इसलिए मर्दके ने एस्तर को अपनी बेटी करके पाला था। एस्तर सुंदर और रूपवती थी। उस समय राजा शयर्ष की ओर से यह आज्ञा निकली थी कि राजा के लिए एक सुंदर और युवक कुंवारी ढूंढी जाए, क्योंकि राजा ने रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटा दिया था और अब राजा अपने लिए एक दूसरी पटरानी की खोज कर रहा था। तब राजा की आज्ञा के अनुसार बहुत सी युवतियां शुषण गण में इकट्ठा की गई, जिनमें एस्तर भी थी। तब राजा के प्रबंधक को एस्तर अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ तथा उसने बिना देरी किए एस्तर को राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं दी और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी तथा एस्तर और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। एस्तर ने मर्दके की आज्ञा अनुसार किसी को अपनी जाति नहीं बताई थी। जब एस्तर रनवास में पहुंची तो मर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहला करता था, ताकि वह जान सके कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या हो रहा है। प्रियो, यहाँ मैं मर्दके के जीवन से एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि मर्दके एस्तर का चचेरा भाई था, लेकिन उसने एस्तर को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। बाइबल हमको यह नहीं बताती कि मर्दके की शादी हुई थी या नहीं, या उसके बच्चे थे या नहीं, लेकिन हम यह जरूर पाते हैं कि उसने एस्तर को ही अपनी बेटी मान लिया था और उसकी परवरिश के लिए उसने अपने स्वयं की ख्वाहिशों और सपनों को त्याग दिया था। उसके जीवन की पहली प्राथमिकता एस्तर ही थी। वह चाहता था कि एस्तर भली चंगी और सुख से रहे, इसलिए उसने एस्तर की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब एस्तर राजा के रनवास में पहुंची, तब भी मर्दके का मन एस्तर में ही लगा रहा और वह उसे देखने के लिए तथा उसका हाल जानने के लिए आंगन के सामने टहलता था, जिससे हमें यह जानने को मिलता है कि मर्दके एस्तर का बहुत ख्याल रखता और उसकी फिक्र करता था। एक तरह से देखा जाए तो मर्दके का दिल खुद उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी चचेरी बहन एस्तर के लिए धड़कता था। प्रियो, आजकल मर्दके के जैसे व्यक्ति मिलना मुश्किल है, जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। एक सौतेली बहन के लिए इतना कुछ करना कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में तो अपने सगे भी इतना नहीं करते जितना मर्दके ने अपनी सौतेली बहन के लिए किया। मर्दके ने एस्तर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा कि उसके भविष्य में उसका क्या होगा, यहाँ तक कि उसने अपना परिवार बसाने के विषय में भी कुछ विचार नहीं किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एस्तर पर ही रहता था और एस्तर को ही उसने अपना परिवार मान लिया था। प्रियो, हम विश्वासियों को मसीह होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से हमें पारिवारिक मामलों में जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। मैं यह जानती हूँ कि हर एक माता या पिता या अन्य परिवार के सदस्य अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते होंगे, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ हमें बोझ नहीं लगना चाहिए। हमें अपने परिवार और रिश्ते नाते के प्रति अपने हर कर्तव्य को ईमानदारी और हर्ष के साथ पूरा करना चाहिए, जैसे मर्दके ने किया। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि कुछ समय के बाद एस्तर वश्ती के स्थान पर पटरानी बन गई और राजा ने अपने सब कर्मचारियों और हाकिमों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और राजा ने अपनी उदारता के अनुसार इनाम बांटे।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई। तब मर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मर्दके ने एस्तर को ऐसे ही आज्ञा दी थी कि वह अपने बारे में कुछ ना बताए, और एस्तर ने मर्दके की बात मानी। उन्हीं दिनों में जब मर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगतान और तेरेश नामक दो जनों ने राजा शयर्ष के विरुद्ध उठकर उसकी हत्या की साजिश की। जब यह बात मर्दके को मालूम हुई तो उसने यह बात रानी एस्तर को बता दिया। तब रानी एस्तर ने मर्दके का नाम लेकर राजा को इस बात की चेतावनी दे दी कि बिगतान और तेरेश नामक दो जनों ने उसे मारने की योजना बनाई है। तब राजा ने रानी एस्तर की बात मानकर जांच पड़ताल कराई, जिसमें यह बात सच निकली। तब राजा ने उन दोनों जनों को वृक्ष पर लटका दिया, और यह घटना राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखी गई। प्रियो, यहाँ मर्दके के जीवन की एक और बात हमें देखने को मिलती है कि वह अपने राजा के प्रति वफादार था। आप कल्पना करें प्रियो कि इस समय यहूदी लोग राजा शयर्ष के अधीन बंधुवाई में थे, और सभी यहूदी बंधुवाई से आज़ाद होकर अपने देश और अपने घर जाना चाहते थे। ऐसा कौन है जो बंधुवाई से छुटकारा ना चाहता हो। जब इन द्वारपालों ने राजा शयर्ष को मारने की योजना बनाई तो मर्दके भी उनका साथ दे सकता था, ताकि वे तीनों मिलकर राजा को मार सके और यहूदी लोग बंधुवाई से आज़ाद हो सके। बिगतान और तेरेश के साथ मिलकर मर्दके अपने लोगों को आज़ाद कर सकता था। वह उनके साथ सौदा कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक अच्छा मौका था। लेकिन हम यह देखते हैं प्रियो कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह अपने राजा के प्रति वफादार था, और वह जिस राजा के अधीन था उसके प्रति उसने अपनी विश्वसनीयता निभाई, और राजा के विरुद्ध रचे गए हर एक षड्यंत्र के बारे में उसने एस्तर को बता दिया, ताकि राजा के प्राण बच सके। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें भी अपने अधिकारियों के प्रति तथा वे तमाम लोग जिनके हम अधीन रहते हैं उनके प्रति हमें हमेशा विश्वास योग्य रहना है। बाइबल हमें कभी यह नहीं सिखाती कि हम अपने अधिकारियों को कोसे या उनके विरुद्ध काम करें, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम अपने ऊपर अधिकार रखने वाले सभी लोगों के प्रति वफादार रहें, और साथ ही उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि रोमियो की पत्री और उसके 13 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाँ प्रियो, जिस तरह से वचन में हमें बताया गया है कि हमें अपने हर अधिकारी के अधीन रहना है, हो सकता है कि आप किसी स्थान पर काम करते हो और वहाँ आपका जो अधिकारी है वह बहुत रूढ़ हो, आपको परेशान करता हो, आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो भी आपको उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप उससे क्रोधित हो जाएं और उसे कोसने लगे। यह हमें मसीह नहीं सिखाता। मर्दके की तरह चाहे जो भी हो, हमें अपने अधिकारियों के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। समय आने पर आप इसका प्रतिफल अपने जीवन में देख सकोगे, जैसा मर्दके के साथ हुआ। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री, चाहे कलेक्टर हो या पुलिस अफसर, या चाहे वह आपके ऊपर आपका अधिकारी हो, इन सबको जो अधिकार मिले हैं वह यहोवा ही की ओर से मिले हैं। और जैसा कि हमने वचन में देखा, अधिकार का विरोध करने वाला परमेश्वर की विधि का सामना करता है और वह इसका दंड पाएगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि राजा ने अगाकी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर उसे दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मर्दके ना तो हामान के सामने झुकता था और ना ही वह उसे दंडवत करता था। फिर जब हामान को यह बात मालूम पड़ी कि मर्दके यहूदी है और वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर ना तो उसे दंडवत करता और ना ही उसके सामने झुकता है, तो हामान बहुत क्रोधित हुआ।
और उसने मर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम समझा। और जब हमान को यह मालूम पड़ा कि वह यहूदी जाति का है, तो हमान ने राजा शयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की योजना बनाई। तब हमान ने शयर्ष राजा से कहा कि तेरे राज्य में एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना अच्छा नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। तब हमान की बात मानकर राजा ने हमान से कहा कि जैसा तू चाहे वैसा तू उनके साथ कर, और राजा ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर हमान को दे दी। तब हमान ने इस बात की चिट्ठी निकलवाई कि सब यहूदी मार डाले जाएं और उनकी धन संपत्ति लूटी जाए, और उस चिट्ठी पर राजा की अंगूठी की छाप लगाई। जब मर्दके को यह मालूम पड़ा कि यहूदी जाति के लोग संकट में हैं, तो वह वस्त्र फाड़कर और टाट पहनकर अपने ऊपर राख डालकर नगर के मध्य में ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जहां जहां राजा की आज्ञा पहुंची थी, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने, उपवास करने और रोने पीटने लगे। तब मर्दके ने रानी एस्थर तक यह बात पहुंचा दी कि हमान ने यहूदियों को नष्ट करने की आज्ञा निकाली है। तब रानी एस्थर ने अपने लोगों के लिए 3 दिन तक उपवास रखा और बाकी यहूदियों से भी ऐसा ही करने को कहा। फिर 3रे दिन एस्थर ने राजा के सामने खड़े होकर उसे और हमान को भोज पर आमंत्रित किया। जब हमान को यह मालूम पड़ा कि रानी ने उसे भोज पर बुलाया है, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वह राजभवन से अपने घर जा रहा था, तो मर्दके को फाटक पर खड़ा देखकर बहुत क्रोधित हुआ। जब वह घर गया तो उसने यह सारी बात अपनी पत्नी जेरोश को और मित्रों को बताई। तब वह उससे कहने लगे कि मर्दके के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनाया जाए और राजा से कहना कि उस पर मर्दके को लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। तब हमान ने ऐसा ही किया, उसने 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का खंभा बनवा दिया। तब ऐसा हुआ कि राजा को स्मरण आया कि मर्दके ने किस तरह उसके विरुद्ध योजना बनाने वालों की जानकारी राजा तक पहुंचाई थी, तो राजा ने इसके बदले मर्दके की प्रतिष्ठा करने की आज्ञा दी। और राजा की आज्ञा के अनुसार हमान ने मर्दके को राजकीय वस्त्र पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक पर उसे घुमाया। लेकिन हमान ने मर्दके के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा तैयार किया था, और फिर राजा की तरह मर्दके की ऐसी प्रतिष्ठा देखकर वह मर्दके के प्रति और क्रोध से भर गया और शोक करता हुआ अपने घर लौट गया। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब हमान शोक करता हुआ अपने घर पहुंचा, तो राजा के खोजे ने उसे एस्थर रानी के तैयार किए हुए भोज में बुलवा लिया, और वहां रानी एस्थर ने राजा शयर्ष को बता दिया कि हमान ने उसकी जाति को नष्ट करने की कैसी योजना बनाई है। तब राजा हमान पर बहुत क्रोधित हुआ, और जब राजा को यह भी मालूम हुआ कि हमान ने मर्दके के लिए 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का खंभा तैयार किया है, तो राजा ने कहा कि हमान को उसी पर लटका दो। तब राजा की आज्ञा अनुसार हमान को उसी खंभे पर जो उसने मर्दके के लिए तैयार किया था लटका दिया। इस प्रकार राजा का गुस्सा ठंडा हुआ। तब रानी एस्थर ने राजा से विनती की कि हमान ने यहूदियों को नष्ट करने की जो युक्ति बनाई थी उसे निष्फल किया जाए, तो राजा ने ऐसा ही किया। और राजा ने मर्दके की भी बड़ी प्रतिष्ठा की, और उसका पद राजा के पद से नीचे ही था, और यहूदियों की दृष्टि में मर्दके बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि मर्दके का परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था, और इसलिए वह परमेश्वर के अलावा किसी मनुष्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। वह इसके परिणाम से भी नहीं डरा। वह जानता था कि इस सारी पृथ्वी में केवल सर्वसामर्थी परमेश्वर ही आदर और सम्मान के योग्य हैं, और केवल उसी के सामने सिर झुकाना और उसी को दंडवत करना चाहिए। साथ ही परमेश्वर ने इसराइलियों को यह आज्ञा भी दी कि उन्हें परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करना है। हमान ने मर्दके के इस व्यवहार के कारण उसके लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा भी तैयार किया ताकि उसे उस पर लटकाकर अपमानित किया जाए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसी फांसी के फंदे पर हमान को लटकाया गया।
प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के प्राणों की रक्षा यहोवा ही करता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसके भय में चलें, तो हमारे विरुद्ध हमारी हानि के लिए चाहे कितने ही हथियार क्यों न बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल नहीं होता, बल्कि जो हमारी हानि की योजना बनाते हैं वे आप ही उसमें फंस जाते हैं। एक और बात प्रियो, कि एस्तर की पुस्तक में हमारा सारा ध्यान रानी एस्तर पर ही रहता है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यदि मर्दकी नहीं होता तो एस्तर भी नहीं होती। एस्तर को तैयार करने में पूरा पूरा योगदान मर्दके का ही था। प्रियो, अंत में मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हम भी मर्दके की तरह ऐसे लोगों को तैयार कर सकती हैं जो आगे चलकर परमेश्वर की महिमा करें। मर्दके ने अपना जीवन एस्तर के लिए समर्पित कर दिया और वह भी अपने राजा के प्रति विश्वास योग्य रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने मर्दके की प्रतिष्ठा करके उसे अपने नीचे रख लिया, अर्थात राजा के बाद मर्दके ही था। प्रियो, कितनी बड़ी उपलब्धि मर्दके को मिली। यही हमारे साथ भी हो सकता है जब हम परमेश्वर के भय में विश्वास योग्य बने रहकर अपने कार्य को करते हैं, तो पद मान सम्मान प्रतिष्ठा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। आशा करती हूँ प्रियो, मर्दके के ऊपर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।